साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का 128वां दिन है और आज सुबह लगातार 7 बजे से लेकर करीब 1:15 तक भारत जोड़ो यात्रा चली है और आज सुबह करीब 21 किलोमीटर हमने कवर किया है। दो ब्रेक पॉइंट थे और पहले चाय के ब्रेक पॉइंट में राहुल जी की मुलाकात 30-35 वकीलों से हुई थी जो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जाने माने वकील हैं। उनके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष और हमारे प्रभारी आपको जानकारी देंगे। और आज दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, रात को यहीं हम रुकेंगे सांबा में और कल भी सुबह ही भारत जोड़ो यात्रा होगी। कल भी करीब 22 किलोमीटर हम कवर करेंगे। कल रात को हम जम्मू में रुकेंगे और परसों, जैसा कि आप जानते हैं, पत्रकार सम्मेलन राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। मैं एक दो बातें हैं जो शर्मा जी आपको अवगत कराएंगे, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी अवगत कराएंगे और हमारे प्रभारी भी अवगत कराएंगे। उसके बाद में अगर आपके कुछ सवाल हैं हम उसका जवाब देने का कोशिश भी करेंगे। पर मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग सब चल रहे हैं, मीडिया ट्रक में कई लोग चल रहे हैं, हमारे साथ सेवा दल की टोली के साथ कई लोग आए हैं, मेरे साथ लंबी बातचीत हुई है और आज आपने देखा है इस 22 किलोमीटर, करीब 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में कितने उत्साह के साथ जनता भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत इन्होंने किया है, राहुल जी का स्वागत किया है। कुछ जगहों हमें देखने को मिला कल भी और आज भी, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं पर सिर्फ कहना चाहता हूं, कल भी मैंने देखा और आज भी मैंने देखा कुछ कुछ जगहों में लोग को आने नहीं दिया जा रहा था, सड़क पर पुलिस उनको पीछे ही रख रही थी। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं पर मैंने देखा कि कई लोग आना चाहते थे सड़क पर, स्वागत करना चाहते थे भारत जोड़ो यात्रा का, पर उनको पीछे धकेल दिया गया। पर उसके बावजूद भारी मात्रा में लोग आए हैं। आज तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत उत्साहजनक, बहुत भरपूर तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। जम्मू में भी ऐसा ही होगा, हमें पूरा विश्वास है, और उसके बाद कश्मीर में भी। ये बात साफ है कि राहुल गांधी जी का जो संदेशा है, का जो सब पैगाम है, सद्भावना का, अमन का, शांति का, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो जनता में गूंज रही है और जनता जान गई है कि भारत जोड़ो यात्रा एक गंभीर प्रयास है भारत जोड़ने का, हमारे समाज में नफरत को तोड़ने का, और जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर और ख़ास तौर से धर्म के नाम पर, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ ये एक बहुत बुलंद आवाज़ है। तो बीजेपी भोखलाई हुई है। कल जम्मू के नेता ने एक प्रमुख अखबार में एक आर्टिकल भी छपा है उनका कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की है, उसका जवाब उसी अखबार में आज हमने दिया है। हमारे दो साथी अमिताभ दुबे और सलमान सोज की आर्टिकल छपा है और ये नेता जो मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने घबराए हुए हैं, भोकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं क्योंकि 128 दिन के बाद वो उठ गए हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। 128 दिन के लिए वो सो रहे थे पर 128वां दिन जब आया और उन्होंने देखा कि खास तौर से जम्मू और कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को इतना स्वागत मिल रहा है, यहीं के जो सांसद हैं और जो मंत्रिमंडल हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी मंत्री हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करने की कोशिश की है, पर मैं समझता हूं जो उन्होंने जनता के सामने रखा है बिल्कुल बेबुनियाद है।
आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और आज हमारे देश में जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो पॉलिटिकल तानाशाही है, सेंसरशिप है, आप जानते हैं क्या किसका मैं जिक्र कर रहा हूं, पिछले 24 घंटे में आपने देखा है किस तरीके से मीडिया पर सेंसरशिप लगाया जा रहा है, ये सब बिल्कुल ये साफ है कि हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। मैं अभी शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि एक जो हादसे हुए हैं जम्मू में उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे, उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष संक्षिप्त में कुछ बोलेंगे, संक्षिप्त में बोलेंगे, और उसके बाद में रजनी पाटिल जी आपसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी। साथियों, कल दो हादसे हुए जम्मू शहर में, आप जानते हैं कि बम ब्लास्ट हुए एक के बाद एक, और एक बुजालता में भी हमने एक ब्लास्ट देखा, आईडी टाइमर ब्लास्ट था, और ये गंभीर चिंता की बात है कि इतनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद भी आतंकवादियों ने जम्मू शहर में, ये दूसरी वारदात है कि सिद्रा में ही, यहाँ कल राहुल जी को रात को कैंप पर रुकना है, वहाँ पिछले दिनों चार आतंकवादी जो है वो एनकाउंटर हुआ, और इस दौरान जबकि यात्रा यहाँ है और उसके नज़दीक ही कल दो ब्लास्ट होना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चिंता का विषय है। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना अच्छे तरह से काम करते हैं, लेकिन ये जो दावे हैं कि पिछले दिनों एनकाउंटर होना इसी इलाके में, शहर में, और डांगरी में इतनी बड़ी हत्या होना, वो निर्मम हत्याएं, और उसके बाद सरकार के वो दावे के हमने जम्मू में आतंकवाद का खात्मा कर दिया, आपको पता है 31 दिसंबर को ये दावे किए गए और 1 जनवरी को ही वहाँ निर्मम हत्याएं की गई माइनॉरिटी कम्युनिटी की। तो कल भी जो हुआ गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ते हैं, लेकिन यहाँ उनको सराहना भी करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम करती हैं, वहाँ इनकी निंदा करने के साथ साथ चिंता भी व्यक्त करते हैं। हमें भी अपने नेता की सुरक्षा की बहुत चिंता है, हमने तमाम जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एजेंसी की एडवाइजरी गाइडलाइंस के मुताबिक बिल्कुल व्यवस्था उसी तरह से की, सीमित भी की, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होना चिंताजनक है, मैं इतना ही कहूंगा इस मौके पे, और सरकार से मांग करूंगा कि आतंकवाद के विरुद्ध और कड़ा किया जाए और माइनॉरिटी की किलिंग्स और इस तरह की वारदातों पे और अंकुश लगाया जाए। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट विकास सुरवाड़ी साहब से कहूंगा, वो आपसे बात करें। सब साथियों को सलाम है और आदाब पेश करता हूं। जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आज 22 किलोमीटर चली, और आपने देखा मैं सांबा और जो कुठवा का कुछ थोड़ा सा एरिया था, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया करते हैं कि जिस उत्सव से आप सब लोगों ने देखा कि हजारों हजारों की तैदाद में भीड़ जो है वो राहुल गांधी जी के स्वागत में खड़ी थी, और किस तरीके से कुछ किस किन दिल की गहराइयों से, किस प्यार से, किस मोहब्बत से वो राहुल जी को भाई कर रहे थे, टाटा कर रहे थे, और राहुल जी उनको आगे से और प्यार बांट रहे थे। सिक्योरिटी के कारण राहुल जी ज़्यादा उनके साथ मिल नहीं सके, लेकिन काफ़ी लोगों से वो बुला के उनसे मिले। तो मैं ये कहूँगा कि जो जयराम जी ने कहा कि जो इमरजेंसी इस वक्त अनडेमोक्रेटिक इमरजेंसी जो इन्होंने अभी लफ्ज़ यूज़ किया, उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने 2008 में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आज तक दो ही इलेक्शन हुए, 15 साल होने लगे, और एक टर्म तो आधे में ही खत्म कर दी, और ऐसी इमरजेंसी लगी है कि एक आदमी और उसके सारे सहयोगी जो बाहर के स्टेटों से जम्मू कश्मीर पर राज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब लोगों को पता चलने लगा है कि जम्मू कश्मीर में सताए हुए लोग हैं बीजेपी के शासन से, जो उन्होंने हमारे स्टेट के हिस्से किए, यूटी बनाए, और अभी लैंड का जो मसला चल रहा है, गरीबों से जमीनें छीनी जा रही,
जो सैकड़ों साल से उनके पास थी, जो मकान उनने 5-10 मरले में बनाए थे, डोजर लगाए जा रहे हैं। एक काम भी 8-10 साल में, जो 9 साल बीजेपी रही, 3.5 साल वो इलेक्टेड में रहे और उसके बाद वो गवर्नर, अब 9वां साल चढ़ गया, गवर्नर रूल लगा के बैठे हैं, एक काम भी बोलो कोई अच्छा काम किया उन्होंने? तो मैं ये कहूंगा कि लोग जो है सताए हुए हैं जम्मू कश्मीर के, और लोग चाहते हैं बदलाव। और राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी किरण है, राहुल जी को एक किरण से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद से देखते हैं लोग, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो बदलाव 2 दिन की यात्रा में हमें नजर आ रहा है। कुठवा में जो यात्रा चली, हजारों की तादाद में भीड़ ने स्वागत किया, और आज आपने देखा, आप खुद चल रहे थे कि बगैर गाड़ी घोड़े के बुलाए हुए खुद महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर पेशा लोग, अपना काम काज, दुकानदार अपना काम काज छोड़ के राहुल जी की खिदमत में जो है उनको प्यार मोहब्बत के लिए खड़े थे। तो मैं इन्हीं अल्फाज से ये कहूंगा कि आने वाले वक्त जो है बदलाव का होगा, और एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में बहाल होगी और कांग्रेस पार्टी से होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी राम जी से, रजनी पाटिल जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ बोले। आप सभी को मेरा नमस्कार। धीरे धीरे हम जम्मू कश्मीर की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जम्मू के पड़ाव पे आ गए, और इसके आगे हमारा आखिरी डेस्टिनेशन जो है श्रीनगर, वहाँ पे जाएंगे आने वाले 8 दिन में। आज राहुल जी 21 किलोमीटर से चले, जैसे कि जयराम जी ने अभी बताया, और जिसमें जो वकीलों का प्रतिनिधिमंडल मिला, उनको जो डेलीगेशन मिला, हमारे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष 3 बार रह चुके और अभी भी है, और जो सीनियर काउंसिल है वो एडवोकेट एम के भारद्वाज और उनके सभी साथी, तो कुल 13 लोग, उसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने सबने 25 मिनट तक राहुल गांधी जी के साथ चर्चा की, जिसमें जो बहुत सारे विषयों के ऊपर उनका चर्चा का विषय था। उसके बाद में अभी कल जो उनका प्रोग्राम है, उसमें पहले टी पॉइंट पे राहुल जी मिलेंगे कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी पंडितों की जी जो समस्याओं को आगे लाना पड़ता है या उनको जो फेस करना पड़ता है, खासतौर पे जो उनको मिला वो सिर्फ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में उनको नौकरी दी गई, उनको घर मिल गए, उसके बाद में सिवाय लिप सिंपति के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिला, और वो लोग अभी पीड़ित हैं, ताड़ित है, क्रोधित है, तो वो सब मिलना चाहते हैं, उनको मिलवाएंगे। दूसरा शिष्टमंडल उनको 2:00-3 बजे के बाद कैब में मिलेगा, PRIs का, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे आपको तो मालूम है कि जिसमें महिलाएं भी हैं, लड़के भी हैं, पुरुष भी हैं, तो उन सब PRI पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन के जो हमारे सदस्य हैं, उनको मिलके उनके समस्याओं का ध्यान और उनको अवगत कराने की कोशिश और उनकी समस्या जानने की कोशिश राहुल जी करेंगे, और ऐसे करके हमारी यात्रा आगे चली जाएगी। इसके आगे का प्रोग्राम मेरे ख्याल से जयराम रमेश जी बात करेंगे। मैं आपके सवालों के पहले एक और चीज़ आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कठुआ में 7 बजे को हमने जम्मू और कश्मीर के बड़े नेता, कांग्रेस नेता, जो 20 साल से भी ज़्यादा यहाँ वित्त मंत्री रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, स्टॉन्च नेहरूवियन जिसे कहलाते हैं, नेहरूवादी थे, गिरधारी लाल डोगरा जी, उनके मूर्ति से हमने शुरुआत की। वहाँ हमने मानार्पण किया, रजनी जी थी, दिग्विजय सिंह जी थे, मैं था, भारत यात्री थे, वहीं से हमने सेवादल की टोली और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। और गिरधारी लाल डोगरा तो आप जानते हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, पंडित जी के बहुत करीबी थे, इंदिरा जी के बहुत करीबी थे, और वो यहाँ के वित्त मंत्री 20 साल से भी ज़्यादा थे, और उनके दामाद हमारे देश के वित्त मंत्री भी थे, और आप जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में थे। हाँ जी, आपके सवाल।
हेलो, लॉट ऑफ सीनियर लीडर्स वर इनवाइटेड इंक्लूडिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सो वाज डॉक्टर करण सिंह आल्सो इनवाइटेड एंड इफ नॉट व्हाई? All every senior leader has been invited. I think Rajni Patil will inform you. All senior leaders have been invited, and yesterday Dr. Karan Singh spoke at a function in New Delhi, and he welcomed the Bharat Jodo Yatra and supported and applauded Mr. Rahul Gandhi's efforts through the Bharat Jodo Yatra. But I'll ask Rajni ji to give you more information in detail. I personally spoke to him. And he said that in this situation, I cannot come because of my health, because he is not well. So he said, I cannot travel so much and I cannot walk even, but my all best wishes are there. So I will talk to Rahul ji. That's what he said. I hope you will recall that Dr. Karan Singh is a very young 92. So, you know, he is with the spirit. He is with the Bharat Jodo Yatra in spirit. I believe he spoke yesterday. Or the day before yesterday at a function where he applauded Mr. Rahul Gandhi's efforts, but physically he may not be in a position to actually walk. Sir, भाजपा का माइक लीजिएगा, एक ही करके. भाजपा लगातार कटाक्ष कर रही है भारत जोड़ो यात्रा पर कि सबसे पहले राहुल गांधी अपना स्टैंड 370 और पीएजीडी अलायंस को लेकर जो है वो क्लियर. देखिए, मैंने बार बार इस सवाल का जवाब दिया है. ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है. ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हम बोल रहे हैं. ये प्रेस वार्ता भारत जोड़ो यात्रा पर है, राजनीतिक मुद्दे नहीं. हम इस पर बातचीत करेंगे. राजनीति उसके बारे में अलग से वार्ता हम भेंट वार्ता में हम बातचीत करेंगे. राहुल जी आपका उनका स्टैंड का स्पष्टीकरण देंगे. अभी के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं और बीजेपी की ओर से पहले दिन से प्रयास किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में और उन राहुल जी की छवि को बिगाड़ने में और बिल्कुल फजूल की बातें उठाने में. पहले टी शर्ट, बाद में कंटेनर, बाद में जूते, अलग अलग तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं. ये सब गंभीर मुद्दे हैं. आर्टिकल 370 गरीब गंभीर मुद्दा है बिल्कुल. पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे आप वापस लाएंगे इस राज्य में. और ये राज्य भी नहीं रहा, अभी यूटी है. ये तो अभी होम मिनिस्ट्री का एक अटैच्ड ऑफिस बन गया है. तो कब ये सवाल ये उठता है, जम्मू और कश्मीर में चुनाव कब होंगे, जम्मू और कश्मीर को फिर से फुल स्टेटहुड कैसे मिलेगा, यही तो मुद्दे हैं. हाँ जी सर, नाम बोल देंगे. सर राजू शर्मा स्टेट समाचार से. सर मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस को आखिर जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है. आप कल परसों नहीं आए थे तो मुझे दोहराना पड़ेगा. कुछ लोग यहाँ थे तो मैं उनसे माफी मांगूंगा कि मैं दोहरा रहा हूँ जो मैंने पहले कहा है. हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे देश के सामने तीन बड़े खतरे दिखाई देते हैं. पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, हम दो हमारे दो के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं. ये बड़ा खतरा है. दूसरी बात, चुनावी फायदे के लिए सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, आरएसएस और बीजेपी की ओर से. यह भी बड़ा खतरा है. और तीसरा बड़ा खतरा यह है कि आज राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है. एक व्यक्ति हुकूमत कर रहा है, संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है. और जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है. तो ये तीन बड़े खतरे हैं. लोग बार बार पूछते हैं, आप भारत जोड़ने में निकले हुए हो, कौन तोड़ रहा है. मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि तोड़ने वाले बीजेपी और आरएसएस हैं और उनके नियत और नीतियों के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है. इसके खिलाफ हम हमारी आवाज उठा रहे हैं. इनके बारे में राहुल जी जनता को उजागर करना चाहते हैं कि ये खतरे हैं. एक बात और कहूंगा मैं
कि हर पार्टी विश्वास करती है कि हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान अनेकता में एकता के सिद्धांत पर है। पर कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो न केवल अनेकता से एकता में विश्वास करती है बल्कि अनेकता से एकता, न केवल अनेकता में एकता, नॉट ओनली यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर अनेकता से एकता, यानी कि यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। अगर आप अनेकताओं को दबाएंगे तो एकता खतरे में है। तो राहुल जी का मकसद भारत जोड़ो यात्रा में यह है कि हम हमारे देश के अनेकताओं को सम्मान दें, हमारे देश के अनेकताओं को पहचाने और हम हमारे देश के अनेकताओं का जश्न मनाएं ताकि हमारी एकता मजबूत हो। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा विचारधारा की यात्रा है। विचारधारा के आधार पर हम बीजेपी आरएसएस से मुकाबला करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक जन आंदोलन है, ये इवेंट नहीं है। शर्मा जी ने उसका जवाब दिया है। मैं कह रही हूँ कि जो तयशुदा कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी के 30 जनवरी तक, क्या वो वही रहेंगे या उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए? शर्मा जी, देखिए, हमने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज की एडवाइजरी और उनके कंसल्टेशन से सारा प्रोग्राम तय हुआ है। इस तरह की वारदातें हमें अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। आतंकवाद का डट के मुकाबला करेंगे और तयशुदा कार्यक्रम जो है वो चलेगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोगों का जितना उत्साह है उसमें कोई वादा नहीं पड़ेगी। बावजूद इसके हालांकि मैंने चिंता जताई है और हम ये मानते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हैं, उसके बावजूद ये बात आती हुई है तो हमारा प्रोग्राम चलेगा। जयराम रमेश जी, मैं एक बात कह दूं कि अगर आप तो हमारे साथ चली हैं, कहाँ गई चली, हाँ आप तो हमारे साथ पहले भी चली हैं और आप जानते हैं अलग अलग राज्यों में हम औसत के तौर से 21-22 किलोमीटर करते हैं रोज, पर वो दो चरण में होता है। सिक्योरिटी की वजह से हम यहाँ एक लगातार 22 किलोमीटर कर रहे हैं। आज भी 22 किलोमीटर हमने किया है, 21-22, कल भी 21-22 करेंगे। तो हो सकता है सिक्योरिटी की वजह से हम दो चरण में भारत जोड़ो यात्रा नहीं करेंगे पर एक लगातार 22 किलोमीटर। तो भारत जोड़ो यात्रा लंबाई दूरी में हमने कम नहीं किया है पर वक्त के आधार पर थोड़ा कंप्रेस किया गया। जयराम रमेश जी, आप एक बात फिर, राहुल जी की सुरक्षा के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हमारे लिए राहुल जी की सिक्योरिटी सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। और जो सिक्योरिटी बलों की जो उनका सलाह होगा, जो उनका उनके साथ जो बातचीत हो रही है, जो वो हमें कहेंगे उसका पालन हम करेंगे। क्योंकि हमारा हर एक भारत यात्री का मकसद ये है कि सुरक्षा के बारे में कोई समझौता, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जयराम रमेश जी, दो छोटे छोटे सवाल पूछ सकता हूँ कि एक ही? एक पूछिए ना। चलिए, एक तो आप आजकल मैंने कहा वन नेशन वन टैक्स, वन पत्रकार वन सवाल, ठीक है। हा? आप बार बार अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात, हाँ बिल्कुल, जो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा सकते हैं वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करते हैं वो डाइजेस्ट नहीं। 1974-75 में हो गया, मैं 21 साल का था, आप मुझे याद दिला, ठीक है। और अब मेरी किताब देखिए, मैंने पीएन अक्सर के बारे में एक किताब लिखा है, उसमें देखिए मैंने उस डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के बारे में मैंने क्या लिखा है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी से भी अधिक खतरनाक है। ये एक लोकतांत्रिक दिखावा जो देते हैं ना, ये डेमोक्रेसी की आत्मा को इन्होंने खत्म कर दिया है। सिर्फ चुनाव होते हैं इसका माने नहीं है हम लोकतांत्रिक, लोकतंत्र है। फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रधानमंत्री कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर्याप्त नहीं है, फ्रीडम आफ्टर स्पीच क्या होता है वो बताइए। जनरल रमेश जी, आपके पुराने साथी गुलाम नबी आजाद
ने कमेंट किया है और ये बोला है कि यहाँ आपको बीड नहीं मिल रही, इसलिए कांग्रेस ने अपने काडर को कहा है कि बाहरी राज्यों से जो है वो यहाँ बीड मंगवाया जाए, सो दैट राहुल गांधी का जो शो है वो सक्सेसफुल दिखाया जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी बेचारे बौखलाए हुए हैं, उनका पार्टी रजिस्टर नहीं हो पाया है, उनके सभी नेता और कार्यकर्ता 2 महीने के लीव ऑफ एब्सेंस खत्म होने पर कांग्रेस में वापस आ गए हैं, डोडा तक सीमित हो गया है, डोडा आजाद पार्टी हो गई है DAP, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति जम्मू एंड कश्मीर में कि आप गुलाम नबी आजाद को भेजो कश्मीर में, कांग्रेस के वोट तोड़ो, वो विफल हो गया है। हमारे देश में 3 B team है BJP के, जिनका एक ही मकसद है कांग्रेस का वोट काटना, एक है OIC, दूसरा है आम आदमी पार्टी और तीसरा है गुलाम नबी आजाद। तो उनके बारे में मैं क्या कहूं? और कठुआ में, जम्मू में जो लोग आए हैं सड़क पर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 100% यहीं के हैं, कोई पंजाब का नहीं है, कोई हरियाणा का नहीं है, कोई पंजाब का नहीं है। राम सर, इधर से News 24 से सर, पीछे से, यहाँ सर, यहाँ सर। लाल सिंह डोगरा की बहुत सारी तस्वीरें दिखी कठुआ से लेके यहाँ तक में, ये बार बार वही सवाल क्यों पूछते रहते हो यार? लेकर के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आपके स्थानीय लोग। और दूसरा, ये 26 जनवरी को राहुल जी क्या बनिहाल में तिरंगा फहरा रहे हैं? चौधरी लाल सिंह जी ने, शर्मा जी ने जवाब दिया है, मैं उसको दोहराऊंगा। चौधरी लाल सिंह जी ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, हम उस स्वागत का स्वागत करते हैं। हाँ, सॉरी, छब्बीस जनवरी को राहुल गांधी जी तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। 26 जनवरी को राहुल जी श्रीनगर में होंगे, बनिहाल में। असल में भारत जोड़ो, एक बताइए, असल में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो रास्ते में जहाँ पे भी 26 जनवरी होगा और शायद वो बनिहाल में ही होगा, वहीं रहेंगे और वहीं पे फ्लैग होस्टिंग होगा। सर, यहाँ पे सर, दिल्ली में नहीं रहेंगे। आपका सवाल जो है ना, मैं जानता हूँ आपका मकसद क्या है, वो यही रहेंगे, जम्मू और कश्मीर में रहेंगे, बेफिक्र रहिए, यही रहेंगे। सवाल सर, सवाल पूछने से एक छोटा सा, जयराम रमेश जी, हाँ जी, इस तरफ मैं 2 सवाल पूछूंगा। अगर आप कहेंगे कि एक पूछिए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप भी BJP से इतना इंप्रेस्ड हैं कि 1 tax और 1 ये बात करते हैं, इसलिए मैं 2 सवाल पूछूंगा। पूछिए पूछिए। पहला सवाल ये कि यू सेड दैट बीजेपी इज रैटल्ड बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ यात्रा, दैट्स व्हाई दे रोट एन आर्टिकल अगेंस्ट दिस भारत जोड़ो यात्रा। सो माई क्वेश्चन इज, डू यू सस्पेक्ट एनी काइंड ऑफ ए फाउल प्ले अहेड ऑफ योर एंट्रिंग कश्मीर वैली? No, no. I don't want to attribute any motives. BJP from day one has been carrying on a campaign to defame the Bharat Jodo Yatra. In BJP ruled states, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Haryana, determined efforts were made to stop the Bharat Jodo Yatra. But the Bharat Jodo Yatra was very successful in all the BJP ruled states. Now, I don't think that the BJP expected that the Congress party will take out Bharat Jodo Yatra, number one. I don't think the BJP expected Bharat Jodo Yatra to have such a great public response, number two. And number three, I don't think that the BJP expected that we would sustain the Bharat Jodo Yatra now for 128 days and another 8 days remaining. So it is, they have made every effort to defame it. Now Dr. Jitendra Singh has suddenly woken up after 128 days to discover that there is a Bharat Jodo Yatra, and he writes an article. It is completely, I mean, you know, I have said so before and I don't mind repeating it. You know, there is a tribe called historians, but the RSS and the BJP specialize in a tribe called distortions. The job of the distortion is to distort history, and Jitendra Singh is one of the, along with Kiran Rijiju and many others, are very distinguished members of this distortions club. We have responded, two of my colleagues, incidentally, this is the two colleagues, one is a Dogra and one is a Kashmiri. So it is a Dogra Kashmiri Jugalbandi which has taken on Jitendra Singh. Please read the Indian Express today and you will see the response to the lies that are being peddled by Dr. Jitendra Singh. Sir, my second question. Second question. My second question is,
that I asked a question to Farooq Abdullah because government has started a policy of dismantling ecosystem of terror. What they are doing, they are demolishing houses of terror commanders. So when I asked this question to Farooq Abdullah, he said, this is revenge politics and this will alienate people. So what is the Congress stand on this? Do you also believe this is revenge politics and is going to alienate people? I'm not going to get into the specifics of what you're saying, but a Congress party's stand has always been an uncompromising fight against terrorism from whatever source it arises. We should not have any compromise in dealing with either the perpetrators of terrorism or the sponsors of terrorism. Our stand is very clear. सर आगे की राजनीति में जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या बट लेट मी ऑल्सो से दिस कि बीजेपी की राजनीति हमारे प्रधानमंत्री की राजनीति प्रतिशोध की राजनीति है उत्पीड़न की राजनीति है राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है जो उनके खिलाफ हैं जो विपक्ष की पार्टी हैं उनके नेताओं के खिलाफ जो एजेंसियों का खिलाफ इस दुरुपयोग किया जाता है मैं समझता हूं ये बिल्कुल भय डर और प्रतिशोध फैलाने के लिए है हमारे प्रधानमंत्री FDI में बहुत विश्वास रखते हैं हमेशा कहते हैं मैंने FDI लाया FDI आ रहा है उनके लिए FDI का माने क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं FDI माने फियर डिसेप्शन एंड इंटिमिडेशन यह है असली FDI सर जो आगे की राजनीति है जम्मू कश्मीर की क्योंकि हमने देखा जब लखनपुर आए थे राहुल गांधी जी फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा वार्म वेलकम किया उनको और उन्होंने भी रिस्पॉन्ड अच्छा दिया क्या आगे की राजनीति में यहाँ कोई फ्रंट बनने वाला है बीजेपी के खिलाफ जो कांग्रेस PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई फ्रंट बनने वाला है क्योंकि राजनीति भारत जोड़ो यात्रा किसी फ्रंट बनाने के लिए नहीं निकाला गया है भारत जोड़ो यात्रा हैज नॉट बीन स्टार्टेड टू क्रिएट एनी फ्रंट भारत जोड़ो यात्रा हैज बीन क्रिएटेड टू लीव नफरत बिहाइंड नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वी आर टॉकिंग non-political language, we are talking the language Rahul Gandhi ji bar bar keh rahe hain sadbhavna, bhaichara prem, shanti mohabbat so whether what will happen politically, time alone will tell sir, time alone will tell, the sir, Bharat Jodo Yatra is not a platform for discussing issues of political unity for other political parties though there will be other platforms yes we are a political party we are not an NGO we are not a group of sannyasis we are a political party and the Bharat Jodo Yatra is aimed at fighting the divisive politics of the BJP yes sir my question is last question आई एम फ्रॉम सोशल मीडिया एंड मैं काफ़ी लंबे अरसे से ये चीज़ वॉच कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर कि जिस तरीके से कश्मीर की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ ने आप लोगों का समर्थन किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लखनपुर में आए उन्होंने वेलकम किया ग्रैंड वेलकम हुआ क्या कल को PAGD अलायंस को कांग्रेस सपोर्ट देगी क्या PAGD अलायंस को सपोर्ट मिलेगा कांग्रेस ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये सब सवाल कीजिए ठीक है भारत जोड़ो यात्रा में हम ये चुनावी राजनीति अलायंस की राजनीति के बारे में हम नहीं बात करते भारत जोड़ो यात्रा में हम विचारधारा की राजनीति के बारे में बात करते हैं ठीक है थैंक यू धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत